मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। कल रात 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। जिसके बाद टाटा की 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति का वारिस कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। रतन टाटा ने शादी नहीं की तो उनके बच्चे भी नहीं है, इसलिए इतना बड़ा कारोबार अब किसका होगा, इस पर खूब चर्चा हो रही है। कौन उनका करीबी है, इसकी भी बहुत चर्चा है। तो इस वक्त रतन टाटा के सौतेले भाई नोवल टाटा संभावित उम्मीदवारों में टॉप पर चल रहे हैं। नोवल टाटा रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं, यानी उनके सौतेले भाई हैं, और इस संपत्ति पर उनका सबसे ज़्यादा अधिकार हो सकता है, इस प्रकार की खबरें चल रही हैं। इसके अलावा नोवल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। यह तीनों रतन टाटा के बेहद करीब थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है इसमें से कोई एक 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के पास है। ये टाटा परिवार के नहीं हैं, लेकिन लंबे समय से रतन टाटा के बिजनेस को संभाल रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। वह 2017 से टाटा का बिजनेस संभाल रहे हैं और 2017 में साइरस मिस्त्री को हटाकर उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने 1987 में टाटा ग्रुप की कंपनी THS में इंटर्न के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और 30 साल से वह टाटा ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी टाटा के बिजनेस का कुछ हिस्सा मिल सकता है, इस प्रकार की खबरें चल रही हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोवल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया, नेविल और लिया, और इस रेस में इन तीनों में को सबसे आगे बताया जा रहा है। माया टाटा 34 साल के हैं और वह इस वक्त टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा नेविल टाटा ग्रुप के रिटेल बिजनेस को संभालते हैं, उनका नाम भी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आगे आ रहा है। इसमें अगला नाम है नोवल टाटा के तीसरी संतान लिया टाटा का, वह ताज होटल का काम देखती है। इसके अलावा रतन टाटा के गुमनाम भाई यानी उनके छोटे भाई जिमी टाटा की भी बात हो रही है। वह रतन टाटा से 2 साल छोटे हैं, वह टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर होल्डर भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर हाईलाइट नहीं होते, वो एक तरीके से गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कई कंपनियों में शेयर होल्डर होने की वजह से उन्हें उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिल सकता है, इस प्रकार की खबरें चल रही हैं। अब कुछ दिन में साफ हो जाएगा कि रतन टाटा की संपत्ति का वारिस कौन होगा या उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या ये अलग अलग हिस्सों में बटेगा या किसी एक को जाएगा, इसका हमें इंतज़ार करना होगा। देखते रहिए इंडिया.com।